विटिलिगो के बारे में आज एक और पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे। ओपीडी में हम आज विटिलिगो के पेशेंट्स देख रहे हैं। तो विटिलिगो में बच्चों में जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ट्रिकी होता है और बहुत सेफ ड्रग्स का प्रयोग करना होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा टाइम चलता है, 1.5 से 2 साल तक भी ट्रीटमेंट चलता है। तो आपको आज एक पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने 2-2.5 साल पहले हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो हमने 1 साल तक उनको फुल डोजेज के अंदर ट्रीटमेंट रखा और रिजल्ट्स वर 100% रिकवरी हमें आ गया। तो डोजेज को हमने उसको टेपर ऑफ करके हाफ कर दिया। आज पेशेंट दोबारा मिलने हमारे को आए हैं तो 1/4 डोजेज करके हम उनकी ट्रीटमेंट को बंद कर रहे हैं एंड द रिकवरी इज 100%। तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, इनका जब ये आए थे तो आईज के ऊपर सारे वाइट पैचेस थे और बॉडी के ऊपर भी बहुत अर्ली स्टेज थी, स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज था। तो डिजीज को रोकने के लिए भी दवाइयाँ दी गई और कलर फॉर्मेशन के लिए भी दवाइयाँ दी गई एंड नाउ द पेशेंट इज परफेक्टली फाइन। एक पैर पे आपको ऑब्जर्वेशन और दिखाना चाहूँगा, आप ये ध्यान से देखें। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि ये जो ब्लैक कलर का डॉट है आप देख पा रहे हैं, इसको हेलो नीवस बोलते हैं और इसके आसपास भी सफेद दाग आने का खतरा रहता है। तो अब हम इसके ऊपर डबल स्ट्रेंथ ऑइंटमेंट यूज करेंगे क्योंकि ये बच गया है पैच। तो ऐसे केसेस के ऊपर कई बार क्या होता है कि यहाँ से विटिलिगो ट्रिगर्स करते हैं जहां पर ये हेलो नीवस या काले रंग के दाने होते हैं, तो इनको कई बार हमें सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ता है लास्ट में। तो पेशेंट के मदर से हम एक मिनट बात करेंगे। मैडम, आप इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या कैसा रहा आपका? सर, ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से तो आपका अगर जो भी ट्रीटमेंट करे डेडिकेटली करे, परहेज रखे और मेडिसिन टाइम टू टाइम दे, तो आपका ट्रीटमेंट से बहुत फायदा मिलता है बच्चों को। ठीक है, तो इसका कितना टाइम लगा टोटल रिकवरी होने में? 2.25 साल हो गया है सर इसको। तो पहले स्टार्टिंग की डोजेस क्या थी? सर, स्टार्टिंग में तो आपने जैसे डोज बताई थी वैसे ही दे रहे थे। कितना टाइम चला हुआ? आफ्टर 1 ईयर हमने डोजेस हाफ कर दिया और लास्ट 3 मंथ से हम ऑलमोस्ट क्वार्टर डोज पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ आगे फर्दर हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है और जो रिकवर करा है उस पर कैसे हमें मेंटेनेंस डोज के ऊपर रखना है ताकि डिजीज वापस ना आए। ठीक है,